देखिए, हाई कोर्ट में जमानत मिलने के बाद आज 27 दिनों बाद आर्यन खान वापस अपने घर मन्नत लौटेंगे। शाहरुख खान और गौरी खान की जो सारी मन्नतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। इस वक्त हम शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास मौजूद है और आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके की जो हलचल है वो यहां बढ़ती जा रही है। पूरे 27 दिन शाहरुख और गौरी खान जो है अपने बेटे से दूर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑथर एड का प्रशासन है उन्होंने भी बताया है कि उन्हें जो है आर्यन खान की जो जितनी भी सारी जमानत की चीजें हैं वो मिल चुकी है और थोड़े ही वक्त बाद जो है आर्यन खान जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें अभी कुछ देर पहले ही शाहरुख खान अपने परिवार के साथ जो है अपने घर मन्नत से निकले हैं अपने बेटे आर्यन खान को जेल से लेने के लिए। पूरे 27 दिनों तक आर्यन खान जेल में बंद थे। 3 अक्टूबर को जो है एनसीबी ने आर्यन खान को हिरासत में लिया था जिसके बाद वो लगातार सलाखों के पीछे है। साथ ही साथ शाहरुख अपने परिवार के साथ जो है जेल की तरफ बढ़े हैं। अभी 9 बजे जो है ऑथर रोड जेल का खुल जाएगा जिसके बाद जो सारा प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो जाएगा और 10 से 12 बजे के बीच कभी भी जो है आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शाहरुख खान खुद पहुंचे हैं जेल की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो अपने बेटे आर्यन खान को ले पाए। 3 अक्टूबर से जो है एनसीबी ने आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट को जो है हिरासत में लिया था जिसके बाद 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने तीनों को जो है बेल दे दी थी। लेकिन जो बेल का पूरा प्रोसेस है उसे होने में 2 दिन लग गए जिसके चलते 2 रातें और जो है आर्यन खान को है जेल में बितानी पड़ी जिसके बाद खुद जो है कल शाहरुख खान भी जो है पहुंचे थे लेकिन जो सारा प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा समय लग गया जिसके चलते कल आर्यन खान जो है जेल से बाहर नहीं आ पाए। किसी भी वक्त आज जेल से रिहा हो सकते हैं जिसके चलते आप देख सकते हैं मन्नत के बाहर जो है पूरी हलचल हो गई और साथ ही साथ शाहरुख खान और गौरी खान अपने बेटे आर्यन खान को जो है लेने जेल की तरफ बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो जेल की तरफ बढ़ रही है। शाहरुख खान और गौरी खान अभी जो है जेल की तरफ पहुंचे। साथ ही साथ देख सकते हैं फैंस भी कई सारे यहाँ पे मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ही शाहरुख और गौरी खान अपने बेटे आर्यन खान को लेने ऑथर रोड जेल पहुंचे हैं। आर्यन खान को हाईकोर्ट ने बेल दी है जिसके बाद 2 दिन तक उनका जो पूरा बेल का प्रोसेस है वो जारी था जिसके चलते आज किसी भी वक्त जो है आर्यन खान की जेल से रिहाई हो सकती है। अपने बेटे से कई दिनों तक जो है शाहरुख और गौरी खान दूर थे जिसके चलते अभी कुछ देर पहले ही वो मन्नत से अपने बेटे को लेने निकले। आपने देखा कुछ देर पहले ही शाहरुख खान और गौरी खान की गाड़ी जो है उनके घर मन्नत से निकली है और किसी भी वक्त जो है वो ऑथर रोड जेल पहुंच सकते हैं और किसी भी वक्त उनका जो बेटा आर्यन खान है वो जेल से रिहा हो सकता है। देखिए हमारे जो सहयोगी है आशीष जो है वो लगातार ऑथर रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष वहां पर क्या कुछ हलचल है क्योंकि शाहरुख अपने परिवार के साथ जो है ऑथर रोड की तरफ बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, जो जानकारी उभर कर सामने आई है शाहरुख खान वहां से रवाना होने के बाद इस वक्त वर्ली के 4 सीजर्स होटल पहुंचे हुए हैं। 4 सीजर्स होटल में जो है इस वक्त लीगल टीम मौजूद है और उनके साथ जो है इस वक्त शाहरुख खान और साथ ही साथ गौरी खान मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि यहां पर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें आर्यन खान की जो रिलीज लेटर है वो मिल चुका है। जो प्राथमिक कार्रवाई थी वो भी हो चुकी है, यानी कि वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो भी हो चुका है। लेकिन आर्यन खान को एक सामान्य कैदी की तरह जैसे बाकी 15 कैदी उन्हें रिलीज किया जाएगा, उनके साथ ही आर्यन खान को भी रिलीज किया जाएगा और तकरीबन इसमें 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। वही दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस का बंदोबस्त जो है आपको कड़ा बंदोबस्त जो है वो दिखाई पड़ जाएगा। ये पूरा बंदोबस्त लगाया गया हुआ है ताकि फैंस इकट्ठा ना होने पाए। सड़क के दोनों हिस्सों की तरफ जो है लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, उसी के मद्देनजर ये एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है। एक्स्ट्रा फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा ना होने पाए। जिस तरह की स्थितियां कल गंभीर हुई थी उसी के मद्देनजर ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो बुलाई गई है और फिलहाल जेल पर एक कड़ा बंदोबस्त रखा गया है, कड़ा सुरक्षा घेरा रखा गया है ताकि कोई भी फैंस जो है वो यहाँ पर इकट्ठा ना होने पाए। जिस तरह से मन्नत पे हाल हुआ है उसी की तरह से हाल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि सड़कें जो है पूरी तरह से जाम इस वजह से भी हुई है क्योंकि कई जगहों पर जो है लोग इकट्ठा लगातार हो रहे हैं। उन्हें पुलिस बार बार हटाती है लेकिन वो बार बार शाहरुख की खान परिवार की जो है एक झलक देखने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। लिहाजा जो कोशिश है वो यही है कि जब आर्यन की रिलीज हो तो उस दरमियान यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा न होने पाए। यहाँ पर ये देखें आप लोग, क्या किसको देखने आए? आर्यन खान, आर्यन खान, शाहरुख खान।
शाहरुख खान को देखने के लिए आए। कब से आए? सुबह आए हम लोग। सुबह से आए? मैं तो सुबह 6 बजे से आई हूँ। आर्यन खान को बेल मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई। ये देख रहे हैं ये फैंस हैं, ये यहाँ पर कोने का हिस्सा जो है वहाँ पर ये सब लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और इसी तरह से जगह जगह पे जो हर एक छोटे छोटे पॉकेट्स बनाकर इकट्ठा हो रहे हैं, और वही पुलिस के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। फिलहाल आर्यन खान की रिलीज को लेकर बंदोबस्त आप देख सकते हैं कि कितना आशीष हम आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार विवेक भी हमारे साथ मन्नत से जुड़े हुए हैं। विवेक आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले ही शाहरुख मन्नत से जो है अपने बेटे को लेने जेल की तरफ बढ़े हैं, और क्या कुछ हालात जो है मन्नत के पास नजर आ रहे हैं? देखिए श्रेया, मन्नत के बाद धीरे धीरे जो है जो फैंस हैं वो अब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 27 दिन बाद आर्यन खान आठों रोज जेल से बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के बाद सीधे वो मुंबई के जो बैंडस्टैंड इलाका है वहाँ पर पहुँचेंगे। और जिस तरीके से जो खान परिवार में जो खुशी की लहर थी, यही वजह है कि शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं और आर्यन खान को लेने जा रहे हैं। जेल की फॉर्मेलिटीज़ लगभग 10 बजे तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो माना जा रहा है कि 10:15 के आसपास आर्यन खान मुंबई के आथर रोड जेल से निकलेंगे, और मुंबई के मन्नत तकरीबन 11:30 तक पहुँचेंगे। लेकिन जो फैंस हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बकायदा यहाँ पर बैनर पोस्टर लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के साथ न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिरकार जेल सुपरिटेंडेंट का क्या कहना है। आर्थर जेल के जेल अधीक्षक नितिन वैतल सर है। वैतल सर, साधारण तकरीबन कितना वक्त लग सकता है आर्यन खान को जेल के बाहर आने में? इसको देखो, 1 से 2 घंटा लग सकता है, 10 बजे के बाद, 10 से 12 के बीच में वो छूट जाएगा। हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा शुरू हो गया, उस प्रोसेस के बाद वो छूट जाएगा। उसके साथ में कितने लोग हैं बेल में, सभी उसके साथ ही छूटेंगे, ऐसा नहीं कि वो अकेला को छोड़ दिया जाए। प्रोसेस क्या होती है साधारण? जो क्लर्क है, जेलर, सीनियर जेलर, पहले क्लेरिकल चेक करता है, उसके बाद में जेलर रहता है जुडिशियल का, वो चेक करता है, उसके बाद में सीनियर जेलर चेक करता है, और फिर गेट जेलर के पास से बाहर निकल जाता है। उसका बेल जो रिलीज ऑर्डर है वो कब तक आया था, कुछ आइडिया? सवेरे 5:30 शाम का तो हमको आइडिया नहीं, 5:30 के बाद हम खुलते ही नहीं पेटी। उसका वर्तन अंदर कैसा था, वो कैसा बिहेव कर रहा? ठीक था, खाना कुछ खाया नहीं, जेल का ही खा रहा था, वो खाना जेल का खा रहा था, और कैंटीन में से जो चीज़ें थे वो उसके जो भी वो मैनुअल के हिसाब से था वो सब वो कर रहा था। सेलिब्रिटी का लड़का है, इतने दिन जेल में कभी बिताया नहीं, बहुत अंदर उसको तकलीफ हुई ऐसी बोले जा रहे हैं, आपने कुछ उससे बात की थी कभी? देखिए, सेलिब्रिटी का बेटा हो या चाहे हो, मेरे लिए वो नॉर्मल है, उसमें कुछ उसको तो करना वही है जो बाकी कैदी करते हैं। जिस तरह से बोला जा रहा था कि आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि आर्यन एक शाहरुख खान का लड़का है, तो क्या कुछ प्रेशर बना था? कुछ नहीं, जो है हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ने हमने सिर्फ कुछ ये करके रखा था, अदरवाइज बाकी तो नॉर्मल, जो नॉर्मल कैदी की रूटीन थे वही उसकी रूटीन। आपका राउंडअप होता है, राउंडअप के दौरान कभी आप आर्यन से बात की? राउंडअप जनरल सब कैदी से जैसे बात करते वैसे। कुछ बोला उसने आपसे कभी? कुछ भी नहीं। देखिए, दिवाकर भी हमारे साथ लगातार आथर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जेल के प्रशासन है उन्होंने बताया कि आर्यन खान का जो बर्ताव है इतने पूरे दिन जो है बहुत सामान रहा है, वो जेल का खाना वाना खा रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि आप अगर जेल जाते हैं तो वहाँ पर आपको जेल मैनुअल के हिसाब से ही रहना पड़ता है, जैसा कि जेलर ने भी कहा कि चाहे वो सेलिब्रिटी का लड़का हो या कोई आम कैदी हो, उसी के हिसाब से जो जेल का नियम है रहना पड़ता है। मैं अगर आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो ये देखिए, जो गेट है आपको आर्थर रोड जेल का, जिसके जहां से जब वो खुलेगा तो उसके बाहर, उससे बाहर आएंगे आर्यन खान। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, यहां पे सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करना। आप देखिए, तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है यहां पर की गई है, क्योंकि कल काफी ज्यादा भीड़ यहां पर हो गई थी, जिसको संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन आज उस तरह की गलती ना हो सुरक्षा व्यवस्था करी रहे पूरी तरह से, इसलिए जो है यहां पर पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में की गई है। 1 से 2 घंटा उसमें लगेंगे, उसके साथ जितने कैदी बाकी का बेल ऑर्डर आया है उसके साथ में उसको छोड़ा जाएगा, 10 से 12 बजे तक छूट जाएगी। जितना लोग ज्यादा रहेंगे उतना कंफर्मेशन के ज्यादा कैदी है सर, कितने कैदी है पता नहीं, देखना पड़ेगा। यानी कि 11 बजे के बाद हम कह सकते हैं? तैयारी चालू है, प्रोसेस चालू है हम सर, 11 बजे के बाद कह सकते हैं सर, प्रोसेस चालू है। थैंक यू। रिलीज ऑर्डर मिल गया है, अभी उसको 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाएगा, उसके साथ में जितने भी प्रिजनर रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। आपको बता दे जतिन, नाम
देखिए जेल प्रशासन के मुताबिक जो है जेल अथॉरिटी ने कहा कि 10 से 12 बजे के बीच में जो है आर्यन खान किसी भी वक्त जो है जेल से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने उनके पास रिलीज ऑर्डर भी मिल चुका है, तो 10 से 12 बजे के बीच में जो है वो कभी भी आर्यन खान ऑथर रोड जेल से बाहर आ सकते हैं। अभी कुछ देर पहले शाहरुख खान भी जो है आशीष सिंह के मुताबिक वो वहां के फोर सीजन होटल में पहुंचे हैं, तो किसी भी वक्त जैसे ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है तो शाहरुख खान जो है जेल के पास पहुंच सकते हैं अपने बेटे को जेल से बाहर लेने के लिए। देखिए हमारे साथ लगातार विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक देखिए शाहरुख यहां से निकल चुके हैं और जेल अथॉरिटी के मुताबिक 10 से 12 बजे के बीच में कभी भी जो है आर्यन खान जेल से रिहा हो सकते हैं, तो क्या लगता है शाहरुख कब तक जो है जेल तक पहुंच सकते हैं? देखो श्रेया, इस पूरे मामले में जो शाहरुख खान है वो बताया जा रहा है कि मुंबई के रोपे इलाके के एक 5 सितारा होटल में इंतजार कर रहे हैं। जेल की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, उसके बाद शाहरुख खान में पूरे परिवार के पास पहुंचेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से शाहरुख खान और आर्यन खान के सपोर्ट में जो उनके सपोर्टर्स है वो मन्नत के बाहर यहाँ पे आ चुके हैं और लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपको और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अपर्णा है, मुंबई से ही। तो ये आप लोग किस तरह मतलब आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे हैं? हम शाहरुख खान के फैन हैं और उनके बैड टाइम्स में सपोर्ट करने आए हैं, और आर्यन खान भी उनको भी बेल मिल गया है, उनको घर वेलकम करने आए हैं। घर वेलकम करने आए। तो देखिए किस तरीके से बड़े बैनर पोस्टर लेके यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। बाकायदा मुंबई के जो बैंड स्टैंड शाहरुख खान का घर है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। श्रेया मैं आपको दूसरी तस्वीर आकर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो रास्ता है, जो गेट है, क्योंकि मेन गेट से मन्नत में जो शाहरुख खान का परिवार है वो अमूमन निकलता नहीं है, लेकिन हम आपको वो रास्ता, वो जगह दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव, जहाँ से जो दूसरा रास्ता है जहाँ से शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचते हैं, और आर्यन खान को इसी रास्ते से जो हम अभी गेट तक पहुँचेंगे इसी रास्ते से वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, क्योंकि मेन डोर पर है वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर मीडिया और पब्लिक फैंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए उस डोर को बंद किया गया है। उस डोर से शाहरुख खान अपने परिवार के साथ नहीं आएंगे। जो पीछे वाला रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, जो मन्नत का दूसरा गेट है वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं हम, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, मुंबई पुलिस के लोग भी नहीं है, कोई फैंस भी नहीं है। यही वजह है कि शाहरुख खान जब अपने बेटे आर्यन खान को लेकर पहुँचेंगे अपने घर, तो मेरे पीछे जो आप गेट दिख रही हैं यहाँ पर इसी जगह से वो मन्नत के अंदर जाएंगे, यानी कि जो मेन रोड है, मेन गेट है, वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो गेट है मन्नत का दूसरा गेट है, यहाँ पर शाहरुख खान, गौरी खान अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे, और इसी गेट से आर्यन खान को सीधे मन्नत के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी कि जो फैंस हैं, जो भीड़ है, उनसे शाहरुख खान और आर्यन खान को बचाया जाए। इसलिए पहला वाला गेट ना इस्तेमाल कर जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस गेट से शाहरुख खान का पूरा परिवार जाएगा, और जिनके बॉडीगार्ड्स हैं वो पहले निकल चुके हैं। और आशीष हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर और लगेगी जो है सारी चीजें सॉर्ट होने में और आर्यन खान को बाहर आने में, साथ ही साथ शाहरुख कब तक जेल तक पहुंच सकते हैं? जी अभी फोर सीजन होटल में जो है सब शाहरुख खान और गौरी खान और साथ ही साथ उनकी लीगल टीम जो है वो मौजूद है, और सबसे अहम बात यह है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने साफ तौर पर बता दिया है कि रिलीज ऑर्डर उन्हें मिल चुका है। अब जो है आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको यहाँ से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जेल का ये वो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त कड़े सुरक्षा बंदोबस्त रखे गए हैं, पुलिस जो है वो सुरक्षा बंदोबस्त में जुटी हुई है, और जहां तक नजर जाएगी आपको फैंस का जमावड़ा, दूसरी तरफ आपको जो डिवाइडर है उस डिवाइडर के हिस्से पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि लगातार लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, रास्ता सकरा है, लिहाजा पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत बना हुआ है। पुलिस जो है लगातार लोगों को तो हटा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, और अभी भी पुलिस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फैंस का जमावड़ा साफ तौर पर आपको याद रखें कई लोग ऐसे हैं जो कि बीच में ही बैठ गए हैं, जबरदस्ती करके बैठ गए हैं कि वो शाहरुख खान को देखे बगैर नहीं जाएंगे। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी हटने को तैयार नहीं है। देखें साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि पुलिस के
की कोशिश है कि हटाओ, यहाँ पर किसी भी तरह की दुर्घटना ना होने पाए उस बात को ध्यान में रखते हटाने की कोशिश है। लेकिन बावजूद इसके लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आर्यन खान की एक झलक, खान परिवार की एक झलक देखनी है। सबसे अहम बात यह कि अब इस वक्त आर्यन खान का बेल रिलीज ऑर्डर, कहा जाए कि रिलीज ऑर्डर जो है वो पहुंच चुका है, उसे वेरीफाई किया जा रहा है। बाकी अन्य कैदी जब रिलीज ऑर्डर इश्यू होता है, पहुंचता है जेल में, तो ऐसे में उस रिलीज ऑर्डर को जो है उसे वेरीफाई किया जाता है और एक साथ सभी कैदी जो होते हैं उन सभी कैदियों को एक साथ जो है वो बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लिहाजा अन्य कैदी जो अन्य 15 जो जानकारी हमारे पास मिली है उसके मुताबिक 15 जो है, 15 जो लोग हैं उन 15 के 15 रिलीज हुए लोगों के साथ जो है आर्यन खान एक कैदी की तरह, सामान्य कैदी की तरह बाहर आएंगे और उन्हें जो है फिर इसके बाद रिहा किया जाएगा। इस दरमियान जो है शाहरुख खान अपने गौरी खान के साथ जो है लीगल टीम के साथ दिवाकर भी लगातार हमारे साथ ऑथर रोड से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जैसे कि विवेक ने बताया कि जो भीड़ है फैंस की वो मन्नत के बाहर बढ़ते जा रही है और साथ ही साथ जो जेल प्रशासन है वो भी कह रहे हैं 10 से 12 बजे के बीच में जो आर्यन खान है वो बाहर आ सकते हैं। तो ऑथर रोड के बाहर किस तरीके के जो फैंस आकर जमा हो रहे हैं आर्यन खान और शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए? देखिए श्रेया, जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है कि शाहरुख खान यहाँ पर अपने बेटे के लिए, बेटे को लेने के लिए पहुँचने वाले हैं, उसके बाद से ही यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है ताकि यहाँ भीड़ ना होने पाए, क्योंकि ये जो रोड है, ये जेल का जो परिसर है ये बिल्कुल रोड पे सटा हुआ है, तो ऐसे में रोड जो ब्लॉक ना होने पाए। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि यहाँ ट्रैफिक ना हो। दूसरी तरफ पुलिस के जवान लगातार जो है यहाँ पर लोगों को हटा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि शाहरुख खान यहाँ आने वाले हैं लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अहम है। ऐसे में मुंबई पुलिस की जो टीम है वो लगातार लोगों को हटा रही है ताकि यहाँ भीड़ ना होने पाए। कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करना है, तो ऐसे में यहाँ पर भीड़ किसी प्रकार की ना हो इसलिए पुलिस लगातार लोगों को हटा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से आप कुछ वक्त ही बचा है, जैसा कि जेलर ने कहा कि 10 से 12 के बीच में जो है आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर आ सकते हैं, तो कुछ ही वक्त और शाहरुख खान को इंतजार करना पड़ेगा। जैसे सारी प्रक्रियाएं जेल के अंदर पूरी हो जाएंगी शाहरुख को इत्तला दी जाएगी और इत्तला करने के बाद शाहरुख की टीम यहाँ पहुंच सकती है, शाहरुख खान अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंच सकते हैं आर्यन खान को लेने के लिए। 27 दिनों बाद आर्यन खान आज अपने घर जाएंगे। दिवाकर, हम आपके पास वापस लौटते हैं। आनंद भी लगातार हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे जो पूरी एनसीबी की टीम जो दिल्ली से आई है उनकी क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, वो टीम लगातार जितने भी लोगों के बयान हैं उन्होंने दर्ज करे हैं और कल जो ज्ञानेश्वर सिंह है उन्होंने बताया था कि हमने 5 ऑफिशियल्स और 3 अन्य लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो चाहते हैं कि प्रभाकर साहिल और जो किरण गोसावी हैं उनसे पूछताछ हो और उनके बयान ही काफ़ी मायने हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में अगर प्रभाकर साहिल सामने नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि कल ज्ञानेश्वर सिंह ने लगातार ये बोला कि हम चाहते हैं कि प्रभाकर साहिल हमारे सामने आए और उसके स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी ने एफिडेविट सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इतने गंभीर आरोप जो हैं वो एनसीबी के ऊपर, समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए थे। तो देखना होगा कि प्रभाकर कब तक इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता है। और चूंकि जो किरण गोसावी है वो पुणे पुलिस की कस्टडी में, तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको उसके स्टेटमेंट के लिए जो एनसीबी है वो कोर्ट से गुहार लगाएगी।